हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किनकेयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने मैरिज में मेकअप करते हैं, या कियारा आडवाणी का अगर आपने अभी मेकअप देखा हो तो कितना नेचुरल लग रहा था, कितना अमेजिंग दिख रहा था। बॉलीवुड ही नहीं गाइस, हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट भी मोस्टली ऐसे ही मेकअप करते हैं, जिसको हम अंडर पेंटिंग भी कहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगी कि बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज कैसे मेकअप करते हैं रेड कार्पेट के लिए, कोई भी फंक्शन इवेंट्स के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को नॉर्मल यूजुअल मेकअप दिखाऊंगी जो मोस्टली हम मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मेकअप जो भी है, फर्स्ट स्टेप हम लोगों को स्किन प्रेप करना है, ठीक है? तो फेस को वॉश कर लेना है। फेस को वॉश करने के बाद आप लोगों को टोनर लगाना है अगर आपकी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन नहीं है, ड्राई स्किन है, तो आप लोगों को टोनर स्किप करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। तो मैं ये अविनो का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ अपने स्किन पे। अभी एक बार आप लोग मॉइस्चराइजर लगा लेते हो ना, तो नेक्स्ट स्टेप है गाइस प्राइमर लगाना। तो प्राइमर के लिए मैं प्रो इफेक्ट्स का प्राइमर लगा रही हूँ, सिलिकॉन प्राइमर है ये, हर एक स्किन टाइप पे ये सूट होता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ और अच्छे से आप लोगों को मसाज करते हुए लगाना है, ठीक है? जो प्रेपिंग है गाइस वो दोनों स्किन के लिए सेम होगा, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हो या नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट, प्रेपिंग सेम है। आप लोगों को स्किन को ऐसे ही मॉइस्चराइजर लगाना है प्रॉपरली, टोनर लगाना है जरूरत है तो, और फिर आपको प्राइमर लगाना है। मोस्टली हॉलीवुड सेलिब्रिटीज करते हैं, मैरी फिलिप्स का अगर आपने देखा होगा उसने अभी बहुत अच्छे से सिखाया है अंडर पेंटिंग कैसे करते हैं एंड ऑल। तो अंडर पेंटिंग में सबसे पहले क्या होता है ना कि हम लोग कंसीलर कॉन्ट्रिंग सब कुछ पहले करते हैं और उसके बाद हम लोगों को फाउंडेशन लगाना है। तो आप लोग आज दोनों फर्क देख लेना कौन सा अच्छा दिखता है, ताकि आप लोग अपने रूटीन में क्या ऐड करना चाहते हैं ना ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे सेलिब्रिटी मेकअप सिखाऊंगी, उसके बाद हम लोग नॉर्मल मेकअप देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कलर करेक्शन करना, क्योंकि मोस्टली जो भी डार्क सर्कल्स है, फ्लॉज है, अपने इंडियन स्किन में कलर करेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है गाइज, क्योंकि हम लोगों को पिगमेंटेशन का, अंडर आइज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट? मैं थोड़ा सा पहले कलर करेक्शन करूंगी। मैं ऑरेंज और येलो ले रही हूं और बहुत ही हल्का सा कलर करेक्शन कर रही हूं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है डार्क सर्कल्स का, पिगमेंटेशन का, तो आपको सबसे पहले कंसीलर लगाना है आपके स्किन टोन का, ओके? मैं थोड़ा सा यहां पे ऑरेंज लगा रही हूं, जो भी मेरे माउथ के अराउंड जो भी पिगमेंटेशन, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा येलो लगा रही हूं। इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए। अभी जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपको कंसीलर लगाना, क्योंकि फाउंडेशन हम लोग बाद में लगाएंगे। तो कंसीलर के लिए मैंने ये मैक का NC42 कंसीलर लिया, जो मेरी स्किन टोन के एकदम ही नजदीक वाला शेड है वाला ले रही हूं और यहां पे लगा रही हूं, जहां पे हम लोग यूजुअली कंसीलर लगाते हैं ना वहां पे लगाना है। बस एक बात याद रखिए कि आपको आपके स्किन टोन का ही कंसीलर लगाना है, जो ताकि आपके जो भी दाग है, डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम, सब कुछ हाइड हो जाए। लिप्स के अराउंड आपको हमेशा कंसीलर लगाना है गाइस, क्योंकि जब भी आप लोग लिपस्टिक लगाते हो तो आप देखोगे यहां पे आपको ब्लैक दिख रहा है, राइट? तो उसको हाइड करने के लिए आपको हमेशा लिप्स के अराउंड कंसीलर लगाना ही है, और फिर उसको ब्लेंड कर लीजिए। और लिप्स के अराउंड कंसीलर लगाने से आपका जो लिपस्टिक जो स्प्रेड होने का प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद मैं अभी इसको ब्लेंड कर लूंगी, तो आप देख सकते हो एकदम स्किन जैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, राइट? तो कंसीलर हो गया है गाइस ब्लेंड। हम लोग कॉन्टोर करेंगे, तो कॉन्टोर के लिए मैंने ये एलेगल का कंसीलर यूज किया है इन शेड टोस्ट। तो ये एलेगल का कंसीलर है इन शेड टोस्ट, और यहाँ पे ऊपर लगा रही हूं मैं। ब्लेंड करोगे ना तभी ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है आपको। अभी कॉन्टोरिंग के बाद हम लोग थोड़ा सा हाइलाइटिंग कंसीलर में ले रही हूँ, क्योंकि जो पहले कंसीलर लगाया था वो एकदम मेरी स्किन टोन का ही था, राइट? यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटिंग कंसीलर लगा रही हूँ मैं, ताकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा हाइलाइट हो और ये ब्रिज अप बन। थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे, क्योंकि तो ब्लश आपके ऊपर है, आप लोग अभी लगा सकते हो या तो फिर आप लोग बाद में भी लगा सकते हो ब्लश।
तो अभी सब कुछ हो गया है, कॉन्टर हो गया, ब्लश हो गया, कंसीलर लगा के हो गया, करेक्शन करके हो गया, सब कुछ हो गया है यहाँ पे ये साइड पे। इसके बाद एंड में आप लोगों को फाउंडेशन लेके उसके ऊपर लगाना है। बट ट्रिक क्या है कि फाउंडेशन आप जब भी लगा रहे हो तो फाउंडेशन आपको बहुत ज्यादा हाई कवरेज वाला नहीं लगाना है, आपको एकदम लाइट कवरेज का फाउंडेशन लगाना है, या बीबी क्रीम भी लगा सकते हो आप लोग, जिससे आपका ये जो भी आपने अंदर किया है ना वो दिखे। अगर आपने फुल कवरेज का जैसे हुडा का फाउंडेशन है, एस्टी लॉडर का फाउंडेशन, ऐसे अगर आपने लगा दिया तो वो सब कुछ छुपा देगा ये, फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मेकअप फॉरएवर का अल्ट्रा एचडी फाउंडेशन लिया है। मेरे पास टिंट मेरे स्किन टोन का नहीं है एग्जैक्ट, या बीबी क्रीम भी नहीं है, इसलिए मैं ये एचडी फाउंडेशन ले रही हूँ, क्योंकि लाइट वेट होता है एकदम, इसीलिए। वरना मैं टिंट लगाती आज, इतना सा ही लिया है मैंने। इसको अच्छे से ब्रश मैं थोड़ा सा ले रही हूँ अपने हाथों के पीछे और लगा रही हूं ऊपर। तो जो भी आपने किया है आपको पूरा उसके ऊपर अभी फाउंडेशन लगाना है। मोस्टली जहां जहां पे आपने कंसीलर वगैरह लगाया नहीं, जैसे यहां पे वहां पे आपको फाउंडेशन अच्छे से लगाना है। ये हो गया है ये साइड, आप देख सकते हो कि फाउंडेशन लगाने के बाद भी कॉन्टोर ब्लश जो भी आपने लगाया ना, थोड़ा सा हाईलाइट मतलब दिख रहा है, अभी भी डायमेंशंस दिख रहे हैं फेस पे, बट बहुत ही ज्यादा नहीं दिख रहा है, बहुत ही लाइट दिख रहा है। अभी ये फर्क आपको इतना नहीं पता चलेगा, बट जब मैं यहाँ पे करूंगी ना तभी आप लोग अच्छे से फर्क देख पाओगे। तो अभी ये साइड हो गया है अंडर पेंटिंग का, तो अभी हम लोग यहाँ पे, मैं आप लोगों को नॉर्मल यूजुअल मेकअप हम लोग कैसे करते हैं ये आईब्रोज फिल हो गए, अभी हम लोग ये साइड करेंगे जो हम लोग नॉर्मली हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ करेक्टर, ऑरेंज और येलो करेक्टर लिया है। करेक्शन करना बहुत जरूरी है ब्राइडल मेकअप आप लोग जब भी करते हो तभी, तो इसे मैंने आपको दोनों साइड में करेक्शन करके दिखाया राइट। तो पहले थोड़ा सा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो लगा लिया है न्यूट्रलाइजिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग फाउंडेशन लगाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेकअप फॉर एवर का फाउंडेशन मेरा मैक का NC35, मैं दोनों मिक्स करके लगाती हूँ हमेशा। और फिर अब इसको लगाना स्टार्ट करो फाउंडेशन को। यहाँ पे लगाने के बाद आपको आपका ब्लेंडर लेना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब मैं अपने स्किन टोन का कंसीलर ले रही हूँ, मैक का NC42। फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है, कंसीलर ले रही हूँ और थोड़ा सा, हम लोग यूजुअली लगाते हैं ना वहाँ पे, सब कंसीलर लगा रही हूँ जैसे अपने अंडर आईज पे, लिप्स के अराउंड। इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ मैं, कॉन्टोर करेंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले फाउंडेशन लगाया, उसके बाद अभी हम लोग सब ऊपर लगा रहे फाउंडेशन के। थोड़ा सा हाइलाइटिंग कंसीलर लगाऊंगी मैं, टार्ट का शेप टिप कंसीलर है इन शेड मीडियम। तो हम लोग सेम स्टेप्स कर रहे हैं यहां पे भी और यहां पे भी, बट यहां पे हम लोग फाउंडेशन के बाद सब कुछ कर रहे हैं, यहां पे सब कुछ पहले किया था हमने। हम लोग पाउडर लगाएंगे, तो पाउडर से मैंने ये भी सेट नहीं किया है, तो दोनों एक साथ अब मैं आपको पाउडर लगा के दिखाऊंगी ठीक है। तो जहां पे मैंने अंडर पेंटिंग किया है थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर रही हूँ, वहां पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा लाइट दिखे और नेचुरल दिखे। तो शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर है इन शेड मीडियम। ये हुडा का पाउडर मिला ना ब्रेड, और अभी जो क्रीम कॉन्टोर किया ना उसको हम लोग सेट करेंगे पाउडर कॉन्टोर से। तो मैं नताशा का ये कॉन्टोर लिया है, लगा रही हूँ ब्लश। थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ मैं, तो मैं दोनों साइड पे हाइलाइटर लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले नहीं लगाया। हाइलाइटर आप लोग बाद में भी लगा सकते हो क्योंकि वो ग्लो चाहिए राइट, तो ऊपर से भी दिखेगा तो भी अच्छा ही दिखेगा।
तो गाइज अभी आप देख सकते हो दोनों भी साइड्स, दोनों भी अच्छा दिख रहा है राइट, बट यहाँ पे आप लोग ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर सब कुछ एकदम ग्लैम और मतलब बहुत ऐसे दिख रहा है कि हाँ सब लगाया है, बट यहाँ पे बहुत ही सटल दिख रहा है। तो कुछ भी बुरा नहीं है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा करना है। आप लोग यहाँ पे जो सटल मेकअप है, जहाँ पे ब्लश भी ज्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा पॉप ऑफ कलर थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा कॉन्टोर डायमेंशन फिर भी यहाँ पे भी दिख रहे हैं, फेस में कॉन्टोर किया हुआ है, सब कुछ दिख रहा है बट सटल दिख रहा है, नेचुरल दिख रहा है। तो अभी आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कैसे दिखता है अंडर पेंटिंग का मेकअप और कैसे दिखता है नॉर्मल नेचुरल मेकअप। तो अभी मैं जल्दी से आई मेकअप आपको दिखाती हूँ। तो गाइज आज मैं आप लोगों को हुडेड आईज पे कैसे आप लोग न्यूड आई मेकअप कर सकते हो और कैसे आप अपने हुडेड आईज को बड़ा दिखा सकते हो ना, ये मैं आपको सिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को आपका एक फेक क्रीज बनाना है। तो आपके ये हुड है ओके, इसके अंदर ये स्किन जाती है राइट, तो ये फोल्ड जो है ये ऊपर दिखता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऊपर एक क्रीज बनानी। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउन कलर लेना है, हमेशा याद रखिए कि ब्राउन कलर ही आपको लेके क्रीज फॉर्म करना है अगर आप लोग न्यूड मेकअप करना चाहते हो। तो ये ब्लेंडिंग ब्रश लिया है मैंने और मैं ब्राउन कलर अपने क्रीज पे लगा रही हूँ। मेरा एक्चुअल क्रीज यहाँ पे है बट मैं थोड़ा सा ऊपर जाके ये ब्राउन कलर लगा रही हूँ ताकि आंखें खुलने के बाद भी ये कलर दिखे। इसको ऐसे बाहर की तरफ में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो कैट आई के जैसे एक अच्छा शेप मिले। ये मेकअप है मारियो का पैलेट लिया है मैंने, आप लोग कोई भी पैलेट ले सकते हो गाइज। अगर आपके पास ब्राउन नहीं है तो आप लोग आपका कॉन्टोर शेड जो है ना वो भी लगा सकते हो। ब्रश को नीचे पकड़ना है आपको ताकि एकदम सॉफ्ट दिखे आपका आई मेकअप। अभी गाइज क्रीज फॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप है कि आप लोग थोड़ा सा अपने आईलिड्स पे कंसीलर लगा लो ताकि आपकी आंखें एकदम बड़ी दिखे। थोड़ा सा आपको एकदम कट क्रीज के जैसे कुछ शेप नहीं ड्रॉ करना है गाइज, जस्ट थोड़ा सा आपका जो भी कंसीलर है, मैंने ये मैक का NC42 लिया है और उसके ऊपर एक लाइट कलर ले रही हूँ। तो ये वाला बोन कलर लिया है मैंने, व्हाइट भी चलेगा, जो भी ये मेकअप बाय मारियो का पैलेट है गाइज उसमें से मैंने ये बोन कलर लिया है और मैं यहाँ पे अपने आईलिड्स पे पूरा ये वाला कलर लगा रही हूँ। अब इसके बाद आपको एक ब्लैक काजल लेना है और आपको आईलाइनर नहीं लगाना है, अंदर आपका जो वाटर लाइन है ना वहां पे लगाना है। वाटर लाइन दिख रहा है ना, वहां पे आपको ये लगाना है, आउटलाइन करनी है आपको बस आपका अपर वाटर लाइन। आप लोग पतला सा आईलाइनर भी लगा सकते हो, जिंगल ब्रश लिया है मैंने, थोड़ा सा ये ब्लैक काजल सेम ले रही हूँ, कॉर्नर पे लगा। ये एंगल ब्रश लीजिए, थोड़ा सा अपना काजल लीजिए, थोड़ा सा नीचे का कैसे करना है ना वॉटर लाइन वो भी दिखाती हूँ। तो आप सिर्फ अगर ऐसे कलर लगाओगे और छोड़ दोगे तो आपकी आंखें छोटी लगेगी। इधर आप लोग न्यूड काजल लगा सकते हो बट अगर आपको ब्लैक लगाना है तो ब्लैक लगा छोड़ दोगे तो छोटी लगेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है ब्लैक को। जैसे आप ब्लेंड करोगे ना तो एक बैलेंस हो जाएगा। तो ये प्रोफेक्स का ब्रश लिया है मैंने, मैं सब डिटेल्स दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, आप लोग देख लेना। आपको एक ब्राउन कलर लेना है और इसको ब्लेंड करना है। इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना है, कोई भी हाइलाइटर चलेगा, थोड़ा सा गोल्ड में रखोगे ना तो अच्छा दिखेगा। बट इनर कॉर्नर पे आपको कंपल्सरी हाइलाइटर लगाना ही है, शिमर एक, क्योंकि उससे आपकी आंखें बड़ी लगेगी। आपके आई लैशेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कर्ल करना। मस्कारा ले रही है मैक का, मैक स्टैक मस्कारा है, ऐसे ही यहाँ पे भी कर। सो गाइस ऐसे करना है आपको हुडेड आईज पे। नेक्स्ट स्टेप है लिपस्टिक लगाना। तो सबसे पहले आपको आपका लिप लाइनर लेना है, ये लिपस्टिक पैलेट लिया है एनेस्थेशिया का और उसमें से ये सबसे लाइट ब्राउन जो है ना वो वाला लिया है। आपके पास लाइट लिपस्टिक नहीं है ना तो आप लोग ऐसे कंसीलर भी लगा सकते हो। ये मैंने मैक का NC42 कंसीलर लगाया है। सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। एंड में आप लोगों को मेकअप फिक्सर लगाना है।
ओके, मेकअप फिक्सर अच्छे से लगाना है। कोई भी मेकअप करो आप लोग, ये करो या ये करो, कुछ भी करो, मेकअप फिक्सर से सेट करना है मेकअप को। और अभी आप फाइनल लुक देख सकते हो, जहाँ पे मैंने अंडर पेंटिंग किया है वो भी बहुत ही ग्लो और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट बहुत सटल दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर, सब कुछ एकदम ही ग्लैम दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है अंडर पेंटिंग और कैसे करना है ये नॉर्मल मेकअप। अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो और मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। आप लोगों का भी क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल मेकअप कैसे करते हैं और कैसे ग्लैम मेकअप करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आप लोगों को कौन सा मेकअप आपके लिए अच्छा लगेगा, अंडर पेंटिंग वाला या ये वाला नॉर्मल यूजुअल मेकअप, और मुझ पे कौन सा अच्छा दिख रहा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आईलैशेस नहीं लगाए, नेचुरल लगता है, अच्छे ब्राइडल लुक्स आपके लिए लेके आ रही हूँ। सो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल बटन भी क्लिक करो अगर आपने क्लिक नहीं किया है, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिले। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।